हेलो दोस्तों, ये है मेहरा वीडियोस का हेल्प डेस्क। और दोस्तों, आज के चैप्टर में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस टाइम जो इंडियन आर्मी की भर्ती चल रही है वो चल रही है हरियाणा की भर्ती। और दोस्तों, इसमें अभी सिर्फ चार डिस्ट्रिक्ट की ही भर्ती चल रही है। वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी एंड चरखी दादरी। दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है अभी सिर्फ इनकी ही भर्ती चल रही है। और इनकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, मैं आपको लास्ट डेट बता दूं पहले। दोस्तों, इनकी ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 4/7/2019, मतलब कि 4 जुलाई 2019 तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और आपकी जो रैली होगी दोस्तों, रैली स्टार्ट होगी 20/7/2019 से 30/7/2019 तक, मतलब कि 20 जुलाई से 30 जुलाई 2019 तक आपकी रैली चलेगी। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने की लास्ट डेट है 4 जुलाई 2019। और दोस्तों, ये जो भर्ती होगी ये होगी राव तुलाराम स्टेडियम, रेवाड़ी, हरियाणा, मतलब कि हरियाणा के राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में ये भर्ती होगी। ये इसका रैली का स्थान है। और दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं इसमें एसजीडी मतलब जनरल ड्यूटी क्लर्क और टेक्निकल पोस्टेज होती हैं। दोस्तों, जो एसजीडी होते हैं मतलब कि जो जनरल ड्यूटी होती है, उसके लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 17.5, मतलब कि 17.5 से 21 साल तक का कोई भी कैंडिडेट ये पोस्ट अप्लाई कर सकता है। और जो क्लर्क की पोस्ट होती है और जो टेक्निकल पोस्ट होती है, उसके लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है 17.5 से 23 साल। और दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है मिनिमम 10th, जो एसजीडी मतलब कि जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए होती है 10th, और जो क्लर्क और टेक्निकल पोस्ट होती है उसके लिए जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है +2। जो टेक्निकल पोस्ट होती है दोस्तों, उसमें क्लर्क सॉरी उसमें +2 नॉन मेडिकल से पास होना ज़रूरी होता है कैंडिडेट का। दोस्तों, ये जो पोस्टेज हैं ये हर साल आती हैं, हर साल रिपीट होती हैं। इसलिए दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट ये पोस्ट पहली बार भर रहा है तो दोस्तों आपने करना क्या है, देखिए जब आप पहली बार जो पोस्ट भरते हैं दोस्तों, एक तो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है वो बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो गया तो वो दोबारा सेट नहीं होता, मतलब कि वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। और एक बात, अगर मान लो आपने इस साल जो फॉर्म भरा है वही फॉर्म आपका नेक्स्ट ईयर भी यही फॉर्म लॉगिन होगा, इसलिए जो आपका फॉर्म होगा वो आपका आपकी आईडी और पासवर्ड वो आपने साफ साफ लिख के रख लेना है या फिर आपने कहीं संभाल कर रख लेना है। और दोस्तों, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल सही सही देनी है। दोस्तों, ये जो पोस्टेज होती है ये हर स्टेट की होती हैं, हर ज़िले की अलग अलग होती है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि ये जो पोस्ट हैं, ये जो मैंने चार डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, अभी सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और का है तो दोस्तों आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड पर इसी ज़िले का एड्रेस है तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ ये फॉर्म आप नहीं अप्लाई कर सकते। दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो आपने करना क्या है, देखिए इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है joinindianarmy.nic.in। दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने देखिए इस वेबसाइट पे जाना है। अब जैसे ही इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर क्लिक करके ये भर के उसके बाद देखिए मतलब दूसरा जो व्यू आएगा वो इस तरह का आएगा। और इसके बाद आपने जाना कहाँ है ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है JCO RO। दोस्तों, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपना फॉर्म जो है वो यहाँ से फिल कर लेना है और दोस्तों यहीं से ही लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर दोस्तों आप इसके बारे में और भी डीपली जानकारी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर ही नई वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।